नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेज पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 35 जो खेला जाएगा चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु की पिच पर 4 नवंबर को 10:30 पर यह मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, फैंटेसी टीम किस प्रकार से बना सकते हैं, कौन से खिलाड़ी का हाई सिलेक्शन है, कौन सा खिलाड़ी ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होगा, प्लस में दोस्तों कौन सा खिलाड़ी आज के मैच में हम कैप्टन वॉइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक करके रखना ताकि, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आने वाली अपडेट आपको लगातार इस चैनल से मिलती रहे। तो दोस्तों, मैच के बारे में बात करें न्यूजीलैंड वर्सेज पाकिस्तान के बीच में, सबसे पहले चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु की पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि पिच कैसी है, बॉलिंग को ज्यादा हेल्प कर रही है या फिर बैटिंग यहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाला है। तो सबसे पहले पिच की बात करें तो पिच आपको दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर अभी तक 25 ओडीआई के मैच खेले गए हैं। जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 11 बार यहां पर मैच को विन किया है। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 13 मुकाबले इस पिच पर विन किए हैं। जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसके लिए विनिंग चांसेस थोड़े से बनते हैं ज्यादा। अगर टाई की बात करें तो एक मुकाबला इस पिच पर टाई भी हो चुका है। एवरेज स्कोर 265 के करीब आपको देखने को मिल सकता है। हाईएस्ट स्कोर इस पिच पर इंडिया की टीम ने बनाया था 385 रन और सबसे कम स्कोर इंग्लैंड की टीम ने बनाया था 156 रन। स्कोरिंग पैटर्न 200 से नीचे 3 बार स्कोर, 200 और 250 के बीच में 9 बार अभी तक स्कोर गया है, 250 और 300 के बीच में 4 बार स्कोर, 300 से ऊपर टोटल 9 बार अभी तक इस पिच पर स्कोर गया है। वो लगभग जो एवरेज स्कोर की बात करें तो 200 और 250 या फिर 300 से ऊपर, इन दोनों में से आपको एक स्कोर देखने को मिलेगा। न तो 250 और 300 के बीच में और न ही दोस्तों 200 से नीचे, लगभग आपको ये स्कोर देखने को आज के मैच में मिल जाएगा। कैप्टन वॉइस कैप्टनसी ऐसे खिलाड़ी को ट्राई करना है जो बैटिंग से भी परफॉर्मेंस करे प्लस में बॉलिंग से भी, या फिर आप ओपनिंग बैट्समैन में ऐसे खिलाड़ी को ट्राई कर सकते हो जिसका हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया है या फिर वेन्यू रिकॉर्ड बढ़िया है, वो अब आपको पूरी डिटेल में यहां पर बताने वाला हूं। अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करें लास्ट के 7 मैचों की तो पेसर्स को 61 विकेटें, स्पिनर्स को 26 विकेटें अभी तक इस पिच पर मिली है। तो ये तो दोस्तों पिच यहां पर आपको कंप्लीट बैटिंग के फेवर में देखने को मिलेगी। बैटिंग आपको इस पिच पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले हैं। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग सेक्शन में आपके लिए पेसर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद यहां पर आपके लिए एक सबसे बढ़िया एप्लीकेशन लेके आ चुका हूं दोस्तों, जिसका नाम है प्ले स्पोर्ट। अगर अभी तक आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको जीएसटी बिल्कुल नहीं देनी है। जीएसटी के नाम से आपको 0 रुपए आपको यहां पर देने पड़ते हैं, 1 भी रुपए आपको जीएसटी का नहीं कटेगा। उसके बाद अगर बात करें 1 रुपए से 10,000 रुपए विन कर सकते हो इस एप्लीकेशन पे। बढ़िया एप्लीकेशन है, 0 कंपटीशन है। आपको सिर्फ यहां पर टीम बनानी है, जो आपको कंटिन्यू मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। कंपटीशन लेवल दोस्तों बिल्कुल 0% है और यहां पर बढ़िया विनिंग के चांसेस है। अगर रिसेंट मैचों के बारे में बात करें जो इस ग्राउंड पे खेले गए हैं, तो रिसेंट में इंग्लैंड वर्सेज श्रीलंका के बीच में मैच हुआ था, 1 विकेट ओनली स्पिनर्स को मिली थी, 9 विकेट यहां पर पेसर्स लेके गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, 5 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 14 विकेट पेसर्स को। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 2020, फिर दोस्तों 2017, इसमें 2 विकेट स्पिनर्स, इसमें 5 विकेट स्पिनर्स, 6 विकेट पेसर्स, उसके बाद नीचे 10 विकेट पेसर्स। हर मैच में पेसर्स काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर एवरेज की बात करें तो लगभग आज के मैच में 7 से 8 या फिर 9 से 10 विकेटें आपको पेसर्स निकालते हुए नजर आएंगे। अगर स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स का वही एवरेज स्कोर रहेगा, 3 से 4 विकेट या फिर 5 से 6 विकेट, इससे ज्यादा स्पिनर्स निकालने नहीं वाले हैं। तो स्पिनर्स को हम 1-2 टीमों में ड्रॉप भी करके चलेंगे। पेसर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड प्लस में वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा बॉलर आज के मैच में इंपॉर्टेंट होगा। अगर हेड टू हेड की बात करें लास्ट के 10 मैचों की, तो हेड टू हेड में 3 बार न्यूजीलैंड की टीम ने विन कर रखा है, पाकिस्तान की टीम ने 7 बार मैच को विन किया है। रिसेंट में पाकिस्तान की टीम
विन करके आ रही है मुकाबला। न्यूजीलैंड की टीम लगातार 3 मैच हार के आ रही है, लेकिन आज का मैच विन करने की पूरी कोशिश करेगी न्यूजीलैंड की टीम। अगर आज का मुकाबला हारती है तो लगभग पॉइंट टेबल में सबसे नीचे आपको न्यूजीलैंड की टीम देखने को मिल जाएगी। लगभग यहां पर सुपर फोर में आपको इसका सिलेक्शन होना फिर संभव नहीं होगा, सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी। तो आज का मैच इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा विन करना। अगर न्यूजीलैंड की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, ओपनिंग बैट्समैन की बात करें, तो ओपनिंग बैट्समैन में डेविड कोनवे, विल योंग, फिर रचिन रविंद्रा, डेरल मिचेल, लोथम, ग्लैन फिलिप्स, जिमी नीशम, मिचेल सेंटनर, मार्ट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट और टीम साउदी। ये फाइनल न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। लगभग न्यूजीलैंड की टीम यही प्लेइंग 11 के साथ खेलने वाली है, और अगर थोड़ा बहुत अपडेट होगा तो वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले ओपनिंग बैट्समैन की बात करते हैं, डेविड कोनवे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के लिए, क्योंकि इसका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी अच्छा है। 3 मैचों में 153 रन बनाए हुए हैं, 51 की एवरेज स्कोर से, रिसेंट में 2 रन, फिर 28 रन, 0 रन और 20 रन, 45 रन। अगर फैंटेसी के सिलेक्शन की बात करें तो लगभग 45 से 60% इसका सिलेक्शन रहेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि रिसेंट में 3-4 मैच लगातार फ्लॉप हुआ है। तो इसी को देखते हुए इसका 45 से 60% फैंटेसी में सिलेक्शन रहेगा। और यहीं पर दोस्तों अगर हम इसको ट्राई कर लेते हैं प्लस में सीवीसी ट्राई कर लेते हैं, अगर ये फिर से 50 रन मारेगा तो लगभग हमें 110 पॉइंट कैप्टनसी के मिलने वाले हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद विल योंग रिसेंट में 33, फिर 32, 17 और 54, 70, ये खिलाड़ी मुझे लगता है कभी भी बड़ा स्कोर करने वाला है, लगभग 100 रन ये कभी भी बना के देने वाला है, क्योंकि जो भी खिलाड़ी रिसेंट में स्ट्रगल करता है वो कभी भी बड़ा स्कोर बना के दे सकता है। तो मैं इसको जरूर ट्राई करने वाला हूं, जो मेरी फैंटेसी का कॉम्बिनेशन होगा उसमें लगभग 2 तो मैं विकेट कीपर ट्राई करने वाला हूं, उसके बाद 3 से 4 बैटिंग ऑर्डर, उसके बाद 3 से 4 यहां पर ऑलराउंडर, और फिर 3 से 4 बॉलिंग सेक्शन ट्राई करने वाला हूं। ये कॉम्बिनेशन आज की मेरी जीएल टीम का होगा, प्लस में स्मॉल लीग टीम में भी लगभग यही कॉम्बिनेशन मैं यूज करने वाला हूं। उसके बाद विल योंग रिसेंट में 33, 32, 5 मैच हेड टू हेड के, लगभग 48 की एवरेज स्कोर से, 240 रन है, जो कि एवरेज स्कोर भी काफी बढ़िया है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बढ़िया है, रिसेंट परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। नंबर 3 के बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो रचिन रविंद्रा काफी रिसेंट में परफॉर्मेंस कर रहा है, यहां पर रिसेंट में फ्लॉप था, 9 रन 0 विकेट, उसके बाद 116 रन प्लस में 0 विकेट, फिर 75 रन 0 विकेट, 32 रन 1 विकेट, इस पिच पर भी इसको थोड़ी सी कम हेल्प मिलेगी। इसी को देखते हुए मैं इसको सीवीसी में ट्राई नहीं करने वाला आज के मैच में। 3 मैच हेड टू हेड के टोटल 4 विकेटें हैं, 37 रन रिसेंट में बनाए हैं, उसके बाद 18 की एवरेज स्कोर से। उसके बाद नंबर 4 का बैटिंग ऑर्डर डेरल मिचेल, जो रिसेंट में 24 रन, फिर 54 रन, 130 रन, 1 रन, 89 रन नाबाद, प्लस में 0 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो 7 मुकाबले इसने भी हेड टू हेड के खेल रखे हैं, टोटल 370 के करीब रन है, 52 की एवरेज स्कोर से। तो ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होगा सीवीसी के लिए, क्योंकि आज के मैच में इसका सिलेक्शन थोड़ा सा ये लगा लो कि थोड़ा कम रहेगा, इससे थोड़ा कम रहेगा। रचिन रविंद्रा का थोड़ा हाई है सिलेक्शन, इसका लगभग 70 से 80% देखने को मिलेगा, और डेरल मिचेल का लगभग 65 से 70% इसका आपको देखने को मिलेगा फैंटेसी में सिलेक्शन। दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो दोनों खिलाड़ी इंपोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि रचिन रविंद्रा नंबर 3 पे बैटिंग करने आता है, प्लस में कंप्लीट 10 ओवर करवाता है, अगर 1 विकेट भी इसको मिलती है और प्लस में ये बैटिंग से परफॉर्मेंस कर जाता है, जैसे 116 रन की अगर ये पारी खेल के जाता है तो ग्रैंड लीग टीम में काफी इंपोर्टेंट ये खिलाड़ी बन सकता है। तो इसी को मैं देखते हुए यहां पर डेरल मिचेल को तो जरूर ट्राई करूंगा, रचिन रविंद्रा के ऊपर अभी मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। तो हेड टू हेड में थोड़ा सा परफॉर्मेंस है, 3 मैचों में 4 विकेट है, टॉम लोथम रिसेंट में 4 रन, फिर 21 रन 5 रन 68 रन। अगर यहां पर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो मैं ग्लैन फिलिप्स को जरूर ट्राई करने वाला हूं, क्योंकि पिछले मैच में भी इसने बैटिंग से 60 रन बनाए थे, 0 विकेट थी, फिर 12 रन 3 विकेट, 23 रन 0 विकेट, 71 रन 0 विकेट, हर मैच में बैटिंग से कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस है, प्लस में बॉलिंग से भी। 3 मैच हेड टू हेड के 2 विकेट इसके नाम है, 51 की एवरेज स्कोर से, 103 रन टोटल बनाए हुए हैं बैटिंग से, तो 100+ रन है हेड टू हेड में, प्लस में ये बॉलिंग भी करवाता है। लगभग 1 मैच में तो इसने कंप्लीट 10 ओवर करवाए थे, रिसेंट में ये लगभग 4 से 5 ओवर जरूर हर मैच में करवा रहा है। टॉम लोथम अगर यहां पर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो ये खिलाड़ी आपके विकेट कीपर में होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होगा, 24 मैच इसने हेड टू हेड के खेल रखे हैं,
टोटल 580 रन बनाए हैं 29 के एवरेज स्कोर से, कभी भी आपको 68-70 रन की पारी खेल के दे सकता है। उसके बाद अगले ऑलराउंडर की बात कर लेते हैं अब जिम्मी नीशम की। तो जिम्मी नीशम ने यहां पर रिसेंट में एक विकेट निकाली, फिर 58 रन एक विकेट, हेड टू हेड में बैटिंग से परफॉर्मेंस है, बॉलिंग से इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, 5 मैच टोटल खेले हुए हैं, 2 विकेट इसके नाम है। अगर हेड टू हेड में बैटिंग की बात करें तो टोटल 128 रन अभी तक इसने बनाए हैं, प्लस में 42 के एवरेज स्कोर से, तो एवरेज स्कोर काफी अच्छा है हेड टू हेड का, लेकिन बॉलिंग में इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। रिसेंट में ओनली एक विकेट मिली, फिर यहां पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था और ट्रंप कार्ड खिलाड़ी था, 58 रन प्लस में एक विकेट, फिर यहां पर फ्लॉप रहा, फिर यहां पर ट्रंप कार्ड खिलाड़ी रहा, 57 रन नाबाद। मिचेल सैंटनर रिसेंट में 7 रन 0 विकेट, क्योंकि जो वो पिच थी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मुकाबला था उसमें पिच दोस्तों पेसर्स के अकॉर्डिंग काम कर रही थी। आज के मैच में भी जो पिच है वो पेसर्स को काफी ज्यादा हेल्प देने वाली है, क्योंकि मैंने आपको रिसेंट के मुकाबले इस पिच पर जो खेले गए हैं वो अभी दिखाए हैं, जो कि 2-3 विकेटों से ज्यादा स्पिनर्स को नहीं मिली है। अगर मिचेल सैंटनर की बात करें तो ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, अगर यहां पर न्यूजीलैंड की टीम पहले अगर बैटिंग करती है तो ये इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है, अगर बाद में न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करती है तो उसके बाद इसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम जाता है, क्योंकि फिर इस खिलाड़ी की पिटाई सबसे ज्यादा होती है। रिसेंट में 7 रन 0 विकेट, उसके बाद 17 रन 2 विकेट, फिर 1 रन 1 विकेट, 7 रन नाबाद, प्लस में 3 विकेट, फिर यहां पर 1 विकेट। हेड टू हेड में भी बॉलिंग से इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, टोटल 11 मैचों में 8 विकेटें हैं, अगर 11 मैचों में 12 विकेटें भी होती तो बॉलिंग से थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता, और बैटिंग से भी 21 की एवरेज स्कोर से 150 रन है, लेकिन ये एक विकेट प्लस में 20-22 रन भी निकालता है तो लगभग 50-60 पॉइंट हमें आराम से निकाल के दे देगा, तो इसी को देखते हुए हम इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगले बॉलिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं एक बार, मार्ट हेनरी जिसका हेड टू हेड रिकॉर्ड 14 मैचों में 28 विकेटें निकाल रखी है, ये खिलाड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिलेगा 100%, क्योंकि दोस्तों इसका जो सिलेक्शन रहेगा आज के मैच में लगभग 35 से 40% आज के मैच में देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, दोनों के हेड टू हेड की बात करें तो सबसे ज्यादा हेड टू हेड रिकॉर्ड ट्रेंट बोल्ट का होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, टोटल 12 मैचों में 23 विकेटें निकाल रखी है, रिसेंट में एक विकेट है, फिर 2 विकेट, फिर यहां पर एक विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट। अगर मार्ट हेनरी की बात करें, ये मुझे आज के मैच में काफी ज्यादा परफॉर्मेंस करने वाला खिलाड़ी लग रहा है, और वॉइस कैप्टनशिप में भी ट्राई कर सकते हो इस खिलाड़ी को। 14 मैच हेड टू हेड के टोटल 28 विकेटें निकाल रखी है, काफी ज्यादा विकेटें हैं हेड टू हेड में। अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो ये खिलाड़ी लगभग 4 विकेटें लेने वाला है, अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप बैटिंग अकॉर्डिंग हमें ट्राई करना है, जैसे डैरल मिचेल, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डेविड कोनवे को कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप रखना है। अगर बॉलिंग करती है न्यूजीलैंड की टीम तो आंख बंद करके वॉइस कैप्टन मार्ट हेनरी को ट्राई कर लेना, ट्रेंट बोल्ट भी काफी बढ़िया च्वाइस रहेगा वॉइस कैप्टनशिप के लिए। उसके बाद जो अगला बॉलर रहेगा टीम साउदी, जिसका हेड टू हेड रिकॉर्ड 20 मैचों में 31 विकेट हेड टू हेड की, एक मैच वेन्यू पे एक विकेट, रिसेंट में 2 विकेट निकाली आते ही, उसके बाद फ्लॉप रहा था, फिर कंटिन्यू 2-2 विकेट। ये तीनों बॉलर इंपॉर्टेंट है, तीनों को ट्राई करके चलना है, तीनों ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है, तीनों यूनिक कैप्टन वॉइस कैप्टनसी च्वाइस है, जो कि मैं हर ग्रैंड लीग टीम में ट्राई करने वाला हूं, तो तीनों बॉलर इंपॉर्टेंट हो गए। यहां से दोस्तों न्यूजीलैंड की फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस कंप्लीट होते हैं। अगर बेंच प्लेयरों की बात करें तो 4 बेंच प्लेयर हैं, सोडी अभी वापसी मुझे कम लगता है कि अभी वापसी इसकी देखने को मिलेगी, क्योंकि हेड टू हेड में इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, 10 मैचों में 9 विकेट इसके पास हैं। लोकी फर्गुसन खेलेगा तो ये भी ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होगा, 12 मैचों में 22 विकेटें इसके नाम है, यहां पर रिसेंट में 3 मैचों में लगातार परफॉर्मेंस किया था, फिर फ्लॉप रहा था, उसके बाद हर मैच में इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस है। अगर दोस्तों यहां से कोई खिलाड़ी खेलेगा तो वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उसके बाद पाकिस्तान के फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान ने पहले मैच में वापसी करते ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया था और मैच को विन करवाया था। ओपनिंग बैट्समैन में अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद फखर जमान, बाबर आजम, रिजवान, शकील, इफ्तकार अहमद, सलमान, उस्मा मीर, अफरीदी, मोहम्मद वसीम, हारिस रोफ, ये पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। अगर इनके प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक हेड टू हेड में बिल्कुल फ्लॉप, उसके बाद फखर जमान हेड टू हेड में काफी गजब का परफॉर्मेंस,
क्योंकि 16 मैचों में 833 रन है, 59 की एवरेज स्कोर से, रिसेंट में आते ही 81 रन की पारी खेली अब्दुल्ला शफीक। अगर ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन रुकते हैं मैच में, ये लगा लो 10 से 20 ओवर भी अगर ये दोनों खिलाड़ी रुक जाते हैं तो स्कोर आपको 300 प्लस भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रिसेंट में इन दोनों ने काफी बढ़िया साझेदारी की थी और मैच को विन कर लिया था। दो मैच अब्दुल्ला शफीक ने हेड टू हेड में खेले हुए हैं, टोटल 26 रन अभी तक बनाए हैं 13 की एवरेज स्कोर से। वेन्यू पे एक मुकाबला खेला था, टोटल 64 रन इसने बनाए थे। फखर जमान रिसेंट में 81 रन बना के आ रहे हैं, 16 मैच हेड टू हेड के 833 रन है, 59 की एवरेज स्कोर से। मैं इसको कन्फर्म ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन वॉइस कैप्टनसी ट्राई करने वाला हूं। उसके बाद बाबर आजम, जो कि ये जो पाकिस्तान की टीम है इस पिच पर एक मुकाबला खेल चुकी है। बाबर आजम रिसेंट में फ्लॉप था, फिर 50 रन 19 मैच हेड टू हेड के, हेड टू हेड में इसका भी काफी बढ़िया एवरेज स्कोर होता है, 19 मैचों में 46 की एवरेज स्कोर से 840 रन है। एक मैच वेन्यू पे फ्लॉप था, 18 रन टोटल बनाए थे, जो कि आपको ये वाला मैच देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मोहम्मद रिजवान 26 रन अभी रिसेंट में नाबाद, 9 मैच हेड टू हेड के, टोटल 59 की एवरेज स्कोर से 359 रन इसके नाम है। एक मैच वेन्यू पे 46 रन इसने बनाए थे। दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएल टीम में, और कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में भी काफी बढ़िया च्वाइस है। नीचे के बैटिंग ऑर्डर में ड्रॉप करके चलना है, जैसे शकील यहां पर रिसेंट में बैटिंग नहीं की, एक मैच वेन्यू पे बैटिंग की है, 30 रन टोटल बनाए हैं। इफ्तकार अहमद हेड टू हेड में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस ये खिलाड़ी भी करता है, रिसेंट में 17 रन, नाबाद प्लस में एक विकेट, लेकिन हेड टू हेड में इसने विकेट अभी तक नहीं मिली है, 0 विकेट है, लेकिन एक मैच में मौका मिला था, टोटल 122 रन की पारी खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो लास्ट तक आपको पाकिस्तान की बैटिंग देखने को मिलेगी यहां पर मजबूत, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की टीम के सामने हर खिलाड़ी का परफॉर्मेंस हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी बढ़िया है। इफ्तकार अहमद का भी काफी बढ़िया एवरेज स्कोर है। उसके बाद सलमान की देखो इसका बैटिंग कितना नीचे आता है, फिर भी इसका 39 का एवरेज स्कोर, प्लस में 3 विकेट, रिसेंट परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन हेड टू हेड में ये सभी खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। 8 मैच हेड टू हेड के, टोटल 236 रन है 39 की एवरेज स्कोर से। उस्मा मीर की बात करें हेड टू हेड में 6 मैचों में 10 विकेट, रिसेंट में एक मैच में एक विकेट है, फिर यहां पर 2 विकेट, वेन्यू पे भी एक विकेट इसने निकाल रखी है। हेड टू हेड में उस्मा मीर का भी गजब का परफॉर्मेंस होता है। बॉलिंग सेक्शन में अफरीदी की बात करें तो इसका भी हेड टू हेड में 8 मैचों में 20 विकेट, मोहम्मद वसीम 6 मैचों में 9 विकेट, रिसेंट में बैक टू बैक 3-3 2-2 विकेट है। अफरीदी की बात करें तो बैक टू बैक 3-3 विकेट है। बॉलिंग सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में, और बॉलर आपको ग्रैंड लीग जितवाने वाले हैं कैप्टन वॉइस कैप्टनसी की बदौलत। तो कैप्टन वॉइस कैप्टनसी बॉलिंग के अकॉर्डिंग भी ट्राई करना है। अगर अफरीदी की बात करें, एक मुकाबला इस पिच पर खेला हुआ है, 5 विकेट निकाल के गया था, वॉइस कैप्टनसी में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर न्यूजीलैंड के बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट प्लस में मार्ट हेनरी और टीम सऊदी, तो इनका भी पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी बढ़िया परफॉर्मेंस होता है। अगर दोस्तों पाकिस्तान की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद वसीम प्लस में अफरीदी प्लस में दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में बैटिंग सेक्शन में सभी खिलाड़ियों का एवरेज स्कोर काफी बढ़िया है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो आज के मैच में बड़े बड़े खिलाड़ी फ्लॉप होते हुए नजर आएंगे। हारिस रौफ 7 मैच हेड टू हेड के 10 विकेटें, एक मैच वेन्यू पे 3 विकेट, ये दोस्तों इसका खिलाड़ी का कंफर्म ये होता है कि कभी भी आपको एक विकेट लेके नहीं दिखाता, ये हमेशा 2 विकेट या फिर ये 0 विकेट लेगा, हमेशा 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट, इससे ये लगा लो कि 3-4 विकेट आपको हर मैच में देखने को मिल जाएगी। फ्लॉप होगा तो हमेशा 0 विकेट, ये नहीं है कि एक विकेट निकाल के देगा, ये हमेशा ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी होता है हारिस रौफ। उसके बाद बेंच प्लेयरों की बात कर लेते हैं। बेंच प्लेयर में शहदाब खान, तो इसका भी हेड टू हेड रिकॉर्ड, 12 मैचों में 30 की एवरेज स्कोर से 184 रन है, प्लस में 14 विकेट इसके नाम है। उसके बाद इमामुल हक, ये हर टीम के खिलाफ फ्लॉप होता है, एक मैच वेन्यू पे खेला था, टोटल 70 रन बनाए थे, लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है वापसी बहुत मुश्किल है। हसन अली 7 मैच हेड टू हेड के 8 विकेटें हैं, एक मैच वेन्यू पे फ्लॉप था। पाकिस्तान के बेंच प्लेयरों की बात करें तो लगभग पाकिस्तान की सेम टीम आपको देखने को मिल जाएगी, थोड़ा बहुत ही चेंजमेंट होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। फैंटेसी के टॉप पिक खिलाड़ी रचिन रविंद्रा, डेरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद बाबर आजम, रिजवान अफरीदी, इफ्तकार अहमद ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है दोस्तों, उसके बाद फखर जमान ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है, अफरीदी यहां पर पिक हो चुका है। अगर इधर बात करें मिचेल सेंटनर, इसको आप ड्रॉप करके चल सकते हो, इसकी जगह बॉलिंग सेक्शन में जैसे मार्ट हेनरी प्लस में ट्रेंट बोल्ट
प्लस में दोस्तों एक बॉलर और उठा लो, जैसे टीम सऊदी तीन बॉलर यहां से हो जाते हैं, उसके बाद अफरीदी और हारिस रौफ दो बॉलर आपके यहां से सेलेक्ट हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पांच बॉलर ट्राई करके चलना, क्योंकि जो प्रेडिक्शन हमने बनाया है उसमें बॉलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हेड टू हेड के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉलर काफी ज्यादा विकेट निकालेंगे। ये मेरी आज की फाइनल और रिस्की ग्रैंड लीग टीम देखने को मिलेगी, मोहम्मद वसीम, हारिस रौफ, अफरीदी, मार्ट हेनरी, मिचेल सैंटनर, रचिन रविंद्रा, अब्दुल्ला सफीक, फकर जमान, डेरल मिचेल, बाबर आजम और डेविड कोनवे। इधर डेविड कोनवे, मोहम्मद रिजवान, फिर दोस्तों डेरल मिचेल, विल योंग, सफीक, रविंद्रा, ग्लैन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, टीम सऊदी और अफरीदी, मोहम्मद वसीम, ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन पांच बॉलिंग सेक्शन ट्राई करने वाले हैं, जैसे मोहम्मद वसीम को ड्रॉप कर लेना, इधर ट्रेंट बोल्ट को पिक कर लेना, एक यहां से सेलेक्ट हो गया, उसके बाद टीम सऊदी जो कि हेड टू हेड में काफी ज्यादा विकेटें निकाल रखी है, यहां पर ड्रॉप कर सकते हो मिचेल सैंटनर को, उसके बाद एक दो टीमों में यहां पर डेविड कोनवे को भी ड्रॉप कर लेना या फिर विल योंग को ड्रॉप कर लेना, वो कॉम्बिनेशन हम आपको अपडेट के साथ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, फटाफट से ज्वाइन कर लेना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत बोलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।